बचपन में एली हमेशा खगोल विज्ञान और रेडियो संकेतों के बारे में उत्सुक रही है। वह पूरे दोपहर रेडियो पर मजे में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से संपर्क करती रहती है और अपने सभी कॉल्स को नक्शे पर ट्रैक करती है। उसके पिता हमेशा उसका समर्थन करते हैं और वे अक्सर एक साथ दूरबीन से अंतरिक्ष को देखते हैं। एली का सपना है कि किसी दिन वह एलियन से संपर्क कर सके, लेकिन कभी कभी वह यह भी सोचती है कि क्या वह रेडियो का उपयोग अपनी मृत माँ से संवाद करने के लिए भी कर सकती है। सालों बाद एली एक डॉक्टर है जो प्योर्टो रिको में अरेसिबो वेदशाला में सेटी SETI कार्यक्रम के लिए काम करती है। अपने बचपन की तरह वह रेडियो पर बैठकर एलियंस द्वारा भेजे गए मिशन को खोजने के लिए घंटों बिताती है ताकि यह साबित हो सके कि वे असली हैं। उसकी नेत्रहीन सहकर्मी उसकी काम की इज्जत नहीं कर पाते क्योंकि अब कोई बैठकर सिर्फ सुनता ही नहीं। एली एक नया नक्शा बनाना शुरू करती है जिसमें वह आकाशगंगा के उन सभी स्थानों को चिन्हित करती है जहां उसने पहले ही जांच की है। एक दिन रेस्तरां में दोपहर का भोजन करते समय एली के पास पामर आता है और वेदशाला के वर्तमान कार्यों के बारे में पूछता है। वह एक किताब लिख रहा है कि प्रौद्योगिकी तीसरी दुनिया के देशों को कैसे प्रभावित करती है और उसके पास एक छोटा प्लास्टिक कंपास है जिसे वह एली को उपहार में देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे वापस कर देती है। पामर फ्लर्ट करने लग जाता है और वे मंगलवार को मिलने का निर्णय करते हैं। जल्द ही राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार डेविड पहुंचते हैं अनुसंधान की जांच करने, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह वहां नहीं आना चाहते। मंगलवार की रात वे एक पार्टी का आयोजन करते हैं और डेविड लगातार समझाते हैं कि वैज्ञानिक परियोजनाओं को लाभदायक होना चाहिए क्योंकि इसमें लोगों के कर का उपयोग होता है। एली वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व को समझाने की कोशिश करती है और पामर उसकी रक्षा में आता है। तभी डेविड उसे पिता कहता है। एली का मूड खराब हो जाता है। वह पामर से पूछती है कि क्या वह पादरी है और वह इसे नकारता है, ये बताते हुए कि उसने दिव्यता में मास्टर्स किया है और अब वह तीसरी दुनिया के चर्चों के समर्थन से धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी कार्य करता है। एली को संदेह है, लेकिन वह फिर भी उसके साथ जाती है और वे कुछ समय प्राकृतिक नजारे का आनंद लेते हैं ताकि वह उसे अपनी जानकारी साझा कर सके। वह उसे यह भी बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसे खगोल शास्त्री बनने के लिए प्रेरित किया। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में रात बिताते हैं। हो जाने के बाद वे भगवान और विज्ञान के बारे में दार्शनिक चर्चा करते हैं। पामर सच में भगवान में विश्वास करता है, लेकिन एली को लगता है कि हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। फिर पामर एली से उसके बचपन के बारे में पूछता है, ये जानकर कि उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी और जब वह 9 साल की थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। एली असहज हो जाती है और घोषणा करती है कि उसे काम पर जाना है, लेकिन वह पामर से अपना फोन नंबर छोड़ने के लिए कहती है। बाहर जाते समय एली को वह दिन याद आता है जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में कैंटेली को सूचित करता है कि डेविड ने उनका प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। गुस्सा एली दौड़कर डेविड पर चिल्लाती है जो मानते हैं कि एली अपना समय बर्बाद कर रही है इसलिए वह उसका करियर बचा रहे हैं। फिर एली घर लौटती है और उसे पामर का नंबर छोटे कंपास के साथ मिलता है। हालांकि वह कैंट को कॉल करती है और घोषणा करती है कि वह निवेशकों की तलाश करेगी ताकि उनका समूह न्यू मैक्सिको में अपना शोध जारी रख सके। जब वह जाती है तो वह पामर का नंबर छोड़ देती है। 13 महीने बाद कई कंपनियों में असफल बैठकों के बाद एली अपनी बात रखने के लिए हेड एंड इंडस्ट्रीज में पहुंचती है, लेकिन बोर्ड उसके विचार को विज्ञान कथा कहता है। एली चिढ़ जाती है और चिल्लाती है, ये बताते हुए कि इतिहास में सभी वैज्ञानिक खोजें कभी न कभी विज्ञान कथा थीं। उसी समय बोर्ड को CEO हेडन का फोन आता है जो उसके शोध को फंड करने के लिए सहमत हो जाता है। 4 साल बाद एली अभी भी न्यू मैक्सिको में काम कर रही है और बड़े सैटेलाइट डिश के साथ कार्यरत है। एक दोपहर केंट बुरी खबर लेकर आता है, कहता है कि उन पर वैज्ञानिक समुदाय से परिणाम प्रस्तुत करने का दबाव है। हैटन इस परियोजना के वर्षों तक वित्त पोषित करने के लिए तैयार है, लेकिन टेलीस्कोप सरकारी स्वामित्व वाले हैं और वे उन्हें अधिक लाभदायक लोगों को पट्टे पर देना चाहते हैं। ये तय हो गया है कि प्रोजेक्ट 3 महीनों में बंद कर दिया जाएगा। एली लड़ना चाहती है जबकि केंट सोचता है कि हार मान लेने का समय आ गया है। इस बीच पामर ने अपनी किताब प्रकाशित की है और व्हाइट हाउस में एक आध्यात्मिक सलाहकार बन गए हैं। वह टीवी पर आते हैं और बताते हैं कि वह प्रौद्योगिकी विरोधी हैं, लेकिन उनका मानना है कि लोग रास्ता खो चुके हैं क्योंकि वे जीवन में अर्थ खोजने के बजाय कंप्यूटर में खोए हुए हैं। दिन बीतते हैं और एली सुनना कभी नहीं छोड़ती। एक शाम वह अचानक एक तेज आवाज सुनकर चौंक जाती है। बहुत उत्साहित होकर वह तुरंत अपनी टीम को निर्देशांक देने के लिए बुलाती है, जबकि वह वेदशाला लौटने के लिए दौड़ती है। टीम भी उत्साहित हो जाती है और बेहतर संकेत पाने के लिए उपग्रहों को घुमाते हुए जितनी मशीनें संभव हो जोड़ने लगती हैं। वे सभी ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग का काम एक साथ करते हैं। खुशी से पुष्टि करते हैं कि यह बाहरी अंतरिक्ष से आ रहा है। ऐसा लगता है कि यह तारा वेगा से आ रहा है जो 26 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि यह 20 वर्षों से अधिक समय से यात्रा कर रहा है। अचानक प्रसारण बंद हो जाता है और एली अपनी उम्मीद खोने के कगार पर होती है, लेकिन सौभाग्य से यह जल्द ही फिर से शुरू हो जाता है। एली महसूस करती है कि पल्स प्राइम संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह यादृच्छिक नहीं है और किसी ने विशेष रूप से इसे भेजा है। टीम के आगे कैसे बढ़ना है इस पर बहस करने के बाद वे सभी को बुलाने पर सहमत होते हैं। अगली सुबह वह क्षेत्र रिपोर्टरों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से भर जाता है। टीम बताती है कि अन्य स्टेशनों ने उनकी खोज की पुष्टि की है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नेता किट्स खुश नहीं है कि टीम ने जानकारी को वर्गीकृत रखने के बजाय दुनिया को बताया। कम से कम इस बार डेविड उसकी रक्षा करता है, समझाता है कि अन्य स्टेशनों की मदद के बिना वे सिग्नल खो देते। केंट की सहायता से वे पहले सिग्नल के साथ आने वाले दूसरे सिग्नल की खोज करते हैं और इसे एक टीवी से जोड़ते हैं। टीम सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करती है और अंत में सिग्नलों को वीडियो संदेश में डिकोड करने में सफल हो जाती है।
ये हिटलर के ओलंपिक उद्घाटन भाषण का रिकॉर्डिंग है। ये पहला टेलीविजन प्रसारण है जो अंतरिक्ष में गया और वहां से एलियन ने इसे हेलो के रूप में वापस भेजा है। व्हाइट हाउस घबराता है और राष्ट्रपति एलियन संपर्क की घोषणा करते हैं, जबकि हिटलर का नाम लिए बिना रिपोर्टरों को यह आश्वासन देते हैं कि संदेश सौम्य है। एली सार्वजनिक रूप से बात करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बजाय डेविड को जांच का नेता बनाया जाता है। इस बीच कैंट सिग्नल का विश्लेषण करना जारी रखता है और उसे एहसास होता है कि इसमें संरचना है। वे उन सभी अतिरिक्त फ्रेमों को एक साथ रखते हैं जो ओलंपिक्स वीडियो के नहीं है और पाते हैं कि यह भारी मात्रा में डेटा में परिवर्तित हो जाता है। जल्द ही एली इस डेटा के बारे में एक प्रस्तुति देती है और डेविड घोषणा करता है कि सरकार डिक्रिप्शन का कार्यभार संभालेगी, जिसे एली विरोध करती है क्योंकि यह हमेशा उसका निजी काम रहा है। व्हाइट हाउस की अधिकारी रेचल एली को जांच का नियंत्रण रखने की अनुमति देती है, लेकिन सभी प्रगति को सार्वजनिक घोषणा करने से पहले सरकार के साथ निजी रूप से चर्चा करनी होगी। जल्द ही दुनिया भर के मीडिया में इस खोज के बारे में चर्चा होने लगती है। नियोनाजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आते हैं, जबकि धार्मिक उपस्थिति बढ़ रही है। स्वास्थ्य संगठनों को भी चिंता है कि बड़े पैमाने पर आत्महत्या एक बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि कुछ संप्रदाय पहले ही मरना शुरू कर चुके हैं। जैसे ही टीवी पर हर कोई विज्ञान बनाम धर्म पर बहस करने लगता है, हजारों लोग न्यू मैक्सिको में सुविधा के बाहर डेरा डालते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। एली हैरान है कि एक संदिग्ध संगठन यूएफओ अपहरण बीमा की पेशकश कर रहा है। कम से कम अधिकतर लोग मजे कर रहे हैं, लेकिन वह एक धार्मिक कट्टरपंथी जोसेफ के बारे में चिंतित है, जो लगातार नफरत फैलाता रहता है। खोज के 3 हफ्ते बाद एली घर जाती है और एक अज्ञात प्रेषक से एक ईमेल पाती है। टेक्स्ट में लिखा होता है, मुझे अपने नेता के पास ले चलो, और एली जवाब देती है, तुम कौन हो? जल्दी ही जवाब आता है, मेरे पास एक रहस्य है, और एलियन संदेश का एक हिस्सा दिखाता है। जैसे ही एली एक संभावित हैकर पर गुस्सा करती है, उसे एक विशेष अपॉइंटमेंट के लिए फोन कॉल और फैक्स मिलता है। कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर एली को हवाई अड्डे पर छोड़ता है और वह अपने शोध को फंड करने वाले और वे ईमेल भेजने वाले व्यक्ति हैडन से मिलने एक निजी विमान में प्रवेश करती है। वह उस प्लेन में रहता है और एली को अपनी सबसे मूल्यवान निवेशों में से एक मानता है, इसलिए उसने उसका शोध किया। हैडन एक वीडियो चलाता है जो एली के जीवन और उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करता है और फिर खुलासा करता है कि वह भी एक इंजीनियर था। यही कारण है कि वह सरकार और धर्म के विज्ञान में हस्तक्षेप से नफरत करता है। फिर हैडन घोषणा करता है कि उसने डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया है और स्क्रीन पर इसे चलाता है, यह दिखाते हुए कि इसे समझने के लिए 3 आयामों में व्यवस्थित करना होगा। अगले दिन एली इस खोज को सरकार के सामने प्रस्तुत करती है, समझाती है कि डेटा में किसी प्रकार की मशीन के ब्लूप्रिंट है। चूंकि वे ये नहीं बता सकते कि मशीन किस लिए है, एक बहस छिड़ जाती है कि इसे बनाना है या नहीं, क्योंकि यह खतरनाक हो सकती है। भगवान का विषय बार बार सामने आता है और एली हैरान हो जाती है जब पामर आता है, ये कहते हुए कि उन्हें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। राष्ट्रपति के आगमन से बहस रुक जाती है, जो सभी की बात सुनता है। उस रात इस प्रगति को मनाने के लिए एक पार्टी आयोजित की जाती है और बाहर कई प्रदर्शनकारी जमा होते हैं, जिनमें जोसेफ भी शामिल है। वे वैज्ञानिकों से कहते हैं कि वे असली नौकरी करें बजाय टैक्स का पैसा बर्बाद करने के। एली पामर से मिलती है और वे फिर से एक दार्शनिक चर्चा करते हैं। वह समझाती है कि उसे सबूत चाहिए और पामर उससे पूछता है कि वह यह साबित करे कि उसने अपने पिता से प्यार किया था, जो उसे अवाक छोड़ देता है। उसी समय उन्हें टीवी पर लीक हुई बड़ी खबर से बाधित कर दिया जाता है। यह पता चला है कि मशीन एक व्यक्ति के अंतरिक्ष यान है। व्हाइट हाउस में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जाती है और वे मशीन बनाने के लिए सहमत होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जोखिम और लागत को साझा करने के लिए अन्य राष्ट्रों से संपर्क करेंगे। एक चयन समिति का गठन किया जाता है और उसमें पामर है। वे यह तय करने के लिए कई उम्मीदवारों का साक्षात्कार करेंगे कि किसे मशीन में यात्रा करने का अवसर मिलेगा। एली के आघात के लिए डेविड भी एक उम्मीदवार बनने के लिए विज्ञान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे देता है। जल्द ही मीडिया इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत और इस यात्रा को करने योग्य लोगों पर चर्चा करने लगती है। 10 अंतिम उम्मीदवारों में से एक तिहाई अमेरिकी होने और जापान के सिस्टम्स इंटीग्रेशन सब कॉन्ट्रैक्ट में किसी को भी स्वेच्छा से न भेजने के कारण बहुत विवाद होता है। एली टीवी पर कहती है कि यात्रा करने वाले को संदेश की भाषा समझनी चाहिए और उसे नहीं लगता कि एलियंस कुछ ऐसा भेजेंगे जो काम नहीं करता, इसलिए यह खतरनाक नहीं होना चाहिए। यह तब भी शीर्ष अंतरिक्ष यात्री को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने से नहीं रोकता है, जब उसके डरे हुए बच्चे उससे ऐसा करने के लिए कहते हैं। बाद में एली पामर से मिलती है और समझाती है कि समय फैलाव के कारण व्यक्ति जहाज में केवल 4 साल बिताएगा, लेकिन पृथ्वी पर 50 साल बीत चुके होंगे। उसे लगता है कि इतने महत्वपूर्ण उत्तर पाने के लिए यह बलिदान उचित है, और वे फिर से चुंबन करते हैं। उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन एली अत्यंत अच्छा करती है और समिति तैयार है समाप्त करने के लिए। हालांकि पामर उनसे उनके नास्तिकता के बारे में पूछते हैं, जिससे सबके सामने उनकी छवि खराब होती है। अंत में डेविड को चुना जाता है। शाम को पामर समझाने के लिए एली के पास आता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन सकता जो सोचता है कि अधिकतर दुनिया भ्रमित है, तो रोती हुई एली उसे कंपास वापस दे देती है और उसे बाहर निकाल देती है। मशीन को केनेडी स्पेस सेंटर में केप कैनावेरल में बनाया जाता है और वहां भी भीड़ इकट्ठा होने लगती है। एक रोबोट का उपयोग करते हुए यह जानने के लिए कई परीक्षण किए जा रहे हैं कि यात्री को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। लॉन्च के दिन एली इवेंट में भाग लेती है और डेविड उसे बताता है कि वह चाहता था कि उसका आदर्शवाद पर्याप्त होता, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया लाभ प्रणाली पर चलती है। फिर एली कंट्रोल रूम में टीम के साथ शामिल होती है और उत्साह के साथ देखती है कि अंतरिक्ष यान कैसे सक्रिय होता है
उसके चारों ओर रिंग्स घूमती हैं, जैसे कि वे किसी प्रकार के त्वरक हों। जब अंतिम परीक्षण चल रहे होते हैं, एली मॉनिटर देखती है और नोटिस करती है कि जोसफा जहाज के पास एक कार्यकर्ता होने का नाटक कर रहा है। वह तुरंत डेविड को चेतावनी देती है और सभी जोसेफ को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जोसेफ बम को सक्रिय कर देता है और एक बड़े विस्फोट से टावर गिर जाता है। भीड़ घबराकर भागने लगती है और गिरते हुए हिस्से जहाज को नष्ट कर देते हैं और कई कार्यकर्ताओं की जान ले लेते हैं, जिसमें डेविड भी शामिल है। कुछ मलबा उठता है, लेकिन जहाज के क्षेत्र के बाहर कोई चोटिल नहीं होता। कुछ समय बाद अधिकारी मृतकों के लिए एक उचित अंतिम संस्कार करते हैं, जबकि समाचार जोसेफ द्वारा छोड़े गए अलविदा वीडियो को दिखाते हैं, जिसमें उसने कहा कि उसने सब कुछ मानवता की भलाई के लिए किया। जब एली घर लौटती है तो वह पाती है कि उसके कमरे में कुछ मशीनें उसका इंतजार कर रही हैं। वह एक कुंजी दबाती है और एक वीडियो कॉल शुरू हो जाती है, जिसमें मीर स्पेस स्टेशन में हेडन दिखाई देता है। वह वहां इसलिए रह रहा है क्योंकि उसे कैंसर है और वह अपनी आखिरी दिन अंतरिक्ष में बिताना चाहता है। वह होक्काइडो द्वीप पर एक कैमरे को जूम करता है, जिससे एली को जापान द्वारा बनाई गई दूसरी जहाज से चौंका देता है। जिस कंपनी ने यह प्रोजेक्ट जीता वह हेडन की सहायक कंपनी है और उसने यह सब गुप्त रूप में किया है। एली तुरंत हेडन के निजी विमान से जापान यात्रा करती है और एक बड़े जहाज में टीम से मिलती है। उन्हें यात्रा के बारे में सब कुछ सिखाते हैं और सुरक्षा उपाय साझा करते हैं, जिसमें जहर का एक कंटेनर भी शामिल है। उन्होंने यह एस्ट्रोनॉट्स को सालों से दिया है कि अगर उन्हें आत्महत्या करनी पड़े क्योंकि वे शिप फेलियर के बाद अंतरिक्ष में तैरते रह सकते हैं। शाम को पामर एली से मिलने आता है और उसे कंपास देता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने वास्तव में उसके लिए मतदान नहीं किया क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता था। जल्दी ही मीडिया घोषणा करती है कि दूसरी मशीन भी है, लेकिन किसी भी रिपोर्टर को साइट पर जाने की अनुमति नहीं है। लॉन्च के दिन एली घबराई हुई होती है जब वह सभी रिंग्स को घूमते हुए देखती है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती है। तकनीशियन उसके सूट से सभी कनेक्शन जोड़ते हैं और उसके सिर पर एक कैमरा लगाते हैं ताकि पूरे सफर को रिकॉर्ड किया जा सके। होमर अपने संपर्कों का उपयोग करके कैंट को अंदर लाते हैं ताकि वह टेकोनफ से पहले एली को शुभकामनाएं दे सके। शिप कांपने लगता है जो सामान्य है, लेकिन एली एक अजीब रोशनी भी देखती है। वह इसे टीम के लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन फुटेज में केवल स्थिरता दिखती है। वह मानती है कि यह कुछ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है और आश्चर्यचकित होती है जब शिप पारदर्शी होता है। काउंटडाउन शुरू होता है और टीम चिंतित होती है, खासकर तब जब शिप चमकने लगता है और कंप्यूटरों पर सभी नंबर ऑफ लिमिट्स हो जाते हैं। वे मिशन को रोकने पर विचार करते हैं, हालांकि केंट स्थिरता के माध्यम से एली की आवाज सुनता है और वह कहती है कि वह जाने के लिए तैयार है। क्षेत्र में समुद्र पागल होने लगता है और अंतरिक्ष यान के अंततः उड़ान भरने से ठीक पहले जहाज को हिला देता है। एली उसके चारों ओर की रोशनी से चकित है, जो जल्दी से सबसे अविश्वसनीय और सुंदर खगोलीय दृश्यों में बदल जाती है। यह जल्द ही एक सुरंग में बदल जाता है और एली इसका वर्णन कैमरे के लिए करती है, भले ही वह अब ग्राउंड कंट्रोल के साथ संचार नहीं कर सकती। शिप ऐसी जगह पहुंचता है जहां शेष विकिरण है और वहीं रुक जाता है। एली वेगा को देखती है, चारों तरफ देखने पर एक अजीब मशीन दिखती है, लेकिन शिप अचानक फिर से चलने लगता है। अब एली एक के बाद एक वर्म होल्स से गुजरती है, जिससे उसके चेहरे पर अजीब सा प्रभाव पड़ रहा है। आखिरकार शिप एक दूसरे तारा प्रणाली पर रुकता है और एली एक ग्रह पर एक शहर देखती है। वह कुछ और देखने ही वाली होती है कि जहाज एक बहुत ही हिंसक वर्म होल में प्रवेश कर जाता है और कंपास हवा में उड़ेरने लगता है, इसलिए एली उसे पकड़ने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देती है। तभी कुर्सी टूट जाती है और छत से टकराती है, इसके बाद बत्तियां बंद हो जाती हैं। एली अपनी टॉर्च ऑन करती है और एक खगोलीय घटना देखती है जिसे वह पहचान नहीं पाती। वह उसकी सुंदरता से बेहद प्रभावित हो जाती है और कहती है कि एक कवि को भेजा जाना चाहिए था ताकि वह इसका वर्णन कर सके। अचानक वह अपने आप को तैरती हुई पाती है और एक समुद्र तट पर पहुंच जाती है। यह जगह भी सुंदर है और उसके बचपन में बनाए गए एक चित्र जैसा दिखती है। इधर उधर टटोलने पर उसके हाथों को किसी प्रकार की ऊर्जा या भ्रम का सामना होता है। उसी समय एक आकृति उसकी ओर दौड़ती है और एली अपने पिता को देखकर चौंक जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाती है वह समझ जाती है कि वह असली नहीं है। यह एक एलियन है जो बताता है कि उसने यह रूप इसलिए लिया ताकि उसके साथ संवाद करना आसान हो सके। वह पुष्टि करता है कि वहां कई एलियन जातियां हैं और मानवों ने अपने रेडियो ट्रांसमिशन के साथ पहले ब्रह्मांड से संपर्क किया था। जिस यात्रा प्रणाली का उपयोग एली ने किया था वह उसकी जाति द्वारा नहीं बनाई गई थी, यही एक अज्ञात इकाई द्वारा बनाई गई थी। एलियनों ने मनुष्यों को देखा और सहमति दी कि वे योग्य थे, इसलिए उन्होंने उन्हें ब्लूप्रिंट भेजे ताकि मानवता ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में शामिल हो सके। विदा कहने के बाद एली आसमान में एक सुंदर उल्का वर्षा देखती है। अचानक एक रोशनी बहुत तेज चमकने लगती है और एली खुद को वापस जहाज में पाती है, जो जापानी समुद्र में वापस उतर रहा है। टीम घबरा जाती है और एली से संपर्क करती है, कहती है कि एक खराबी हो गई और जहाज कभी नहीं छोड़ा। एली के बचाए जाने के बाद वह अपना पूरा अनुभव साझा करती है, लेकिन कैमरे ने केवल स्टैटिक रिकॉर्ड किया था। वह कहती है कि यह सब सच है, हालांकि किट उसे जहाज के सेकंडों में नीचे गिरने की रिकॉर्डिंग दिखाता है। अगले दिन राष्ट्रपति एक भाषण देते हैं कि यह सिर्फ एक गलती है, लेकिन जल्द ही अन्य देश कानूनी विवादों में फंस जाते हैं। मीडिया में आलोचना और साजिश के सिद्धांतों की भरमार है, खासकर जब किट्स अपने सलाहकार पद से इस्तीफा दे देते हैं।
इसके बाद किट्स की अध्यक्षता वाली एक कांग्रेस समिति एली से पूछताछ करती है, जो बताती है कि एक वर्म होल इस घटना की व्याख्या कर सकता है। टाइम डायलेशन से पृथ्वी पर एक सेकंड को अंतरिक्ष में 18 घंटे के बराबर किया जा सकता है। किट्स तुरंत उसे कॉल करता है क्योंकि वर्म होल्स सिर्फ एक सिद्धांत है और एक बड़ा बम गिराता है। हेडन की मृत्यु हो गई है और माना जाता है कि यह पूरा मामला उसके द्वारा आयोजित एक धोखा था। एली रोते हुए लोगों को अपनी कहानी पर विश्वास करने के लिए कहती है, खुद को चौंकाते हुए उनसे विश्वास करने की विनती करती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसके द्वारा कही गई बातों की महानता, नम्रता और आशा पर किया गया स्पीच पामर को प्रेरित करता है, लेकिन समिति उसकी कहानी को भी एक झूठ करार देती है। बाहर जाते समय पामर कैमरों और बड़ी भीड़ के सामने एली के साथ शामिल हो जाता है और दुनिया से कहता है कि वह उस पर विश्वास करता है। इस बीच गुप्त रूप से रेचल बच्चों से कहती है कि एली के कैमरे ने 18 घंटे का स्टैटिक रिकॉर्ड किया था। 18 महीने बाद एली एक नए आधार पर अतिरिक्त रडार के साथ काम कर रही है क्योंकि अब एसएटीआई के पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त धन है। बच्चे स्कूल यात्राओं के दौरान बेस का दौरा करते हैं और एली उन्हें सिखाती है कि उन्हें अपने उत्तर खुद खोजना चाहिए। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।